Hey, hi everyone, this is me Monica and you are watching Bollywood Spy. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है फिल्मी मोनिका. तो चलिए बात कर लेते हैं कि राधे द मोस्ट वांटेड भाई का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओवरसीज में कैसा चल रहा है. मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में पहले दिन ये फिल्म 66 स्क्रीन्स पे रिलीज हुई थी और पहले ही दिन में तकरीबन 36 लाख की कमाई इस फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में की. दूसरे दिन 3 स्क्रीन्स और बढ़ा दी गई, टोटल 69 स्क्रीन्स हो गई और टोटल कलेक्शन दूसरे दिन का जो ऑस्ट्रेलिया से आया है वो है 54.93 लाख. मतलब तकरीबन 55 लाख की कमाई दूसरे दिन इस फिल्म ने की है ऑस्ट्रेलिया में. तो टोटल कलेक्शन दो दिनों का ऑस्ट्रेलिया से जो आया है राधे द मोस्ट वांटेड भाई के लिए दैट इज 90.7 लाख. और कंसिडरिंग द लॉकडाउन और जैसे हालात हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, ये एक काफी अच्छा अमाउंट है. तो चलिए बात करते हैं कि न्यूजीलैंड में कैसी लगी राधे द मोस्ट वांटेड भाई को ओपनिंग. पहले दिन ये 20 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी और तकरीबन 6,05,000 रुपए का इसने बिजनेस किया था. वहीं दूसरे दिन 9 और स्क्रीन्स पे फिल्म को रिलीज किया गया, मतलब टोटल 29 स्क्रीन्स पे ये फिल्म लगी हुई है न्यूजीलैंड में और दूसरे दिन का टोटल कलेक्शन है 9.97 लाख. तो दो दिनों में न्यूजीलैंड में इस फिल्म ने कमाए हैं तकरीबन 16 लाख रुपए. वहीं यूएसए में तकरीबन 134 थिएटर्स में इस फिल्म को रिलीज किया गया था और पहले ही दिन फिल्म ने तकरीबन 41 लाख रुपीस की कमाई की है. सेकंड डे के कलेक्शन यूएसए से अभी आने बाकी हैं. तो आप मुझे बताइए कि इन तमाम कलेक्शंस के बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है अगर नॉर्मल सिचुएशन होती और थिएटर्स में राधे रिलीज होती इंडिया में तो इंडिया में कितने करोड़ रुपए की कमाई ये फिल्म करती और कितनी बड़ी ओपनिंग लगती राधे द मोस्ट वांटेड भाई को. कमेंट जरूर करिएगा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई.